हेलो बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय अंग्रेजी, उसमें पढ़ेंगे द बेस्ट पर्सन इन टाउन, पेज नंबर 66, 67 एंड 68। तो आज हम पढ़ेंगे, चलिए, द बेस्ट पर्सन इन टाउन। लिसन केयरफुली, रिपीट एंड इनेक्ट। ध्यान से सुनो, दोहराओ और अभिनय करो। ये एक ड्रामा है। फर्स्ट मैन, हे ओल्ड वुमेन, मूव असाइड। फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति, हे, ओल्ड वुमेन, ए बुढ़िया, मूव असाइड, रास्ते में से हट जाओ। ओल्ड वुमेन, आई कांट गेट अप, प्लीज हेल्प मी। बुढ़िया कहती है, आई कांट गेट अप, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज, कृपया, हेल्प, मेरी मदद कीजिए। मी मतलब मेरा। फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति क्या कहता है आगे देखिए, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ओल्ड वुमेन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। मैन, आई एम, मैं, गोइंग, जा रहा हूँ, टू द टाउन हॉल, मैं टाउन हॉल में जा रहा हूँ, जो हमारे शहर का सबसे सर्वोच्च स्थान है, वहाँ पर जा रहा हूँ। टुडे, आज, द मेयर इज गोइंग टू सिलेक्ट, मेयर साहिबा जो है वो चुनाव करने वाली हूँ। द बेस्ट पर्सन इन द टाउन, जो व्यक्ति हमारे टाउन, हमारे शहर में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसका चुनाव करेंगी कर रही हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। एंड आई एम द बेस्ट, वो व्यक्ति कहता है, और आई एम, मैं, द बेस्ट, और मैं ही वह सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ। गोस अवे, वो व्यक्ति चला जाता है और फिर दूसरे पात्र की एंट्री होती है, दूसरा पात्र आता है। यंग वुमेन, वो यंग वुमेन आती है, एक नौजवान युवती आती है। हे ओल्ड वुमेन, मूव असाइड, वो कहती है, ए बुढ़िया, रास्ते से हट जाओ। ओल्ड वुमेन, बुढ़िया कहती है, आई कांट गेट अप, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज, कृपया, हेल्प मी, मेरी मदद करो। यंग वुमेन, आई वॉन्ट टच यू, मैं तुम्हें नहीं छू सकती, वॉन्ट नहीं, टच करना मतलब छूना, मैं तुम्हें नहीं छू सकती। यू आर सो डर्टी एंड ओल्ड, यू आर मतलब तुम, सो डर्टी, तुम बहुत गंदी हो, कपड़े गंदे से पहने हुए हैं ना, इसलिए तुम बहुत गंदे से कपड़े पहने हुई हो और बहुत बूढ़ी हो, मैं तुम्हें नहीं छू सकती, ऐसे उस युवती ने कहा। लुक एट माई क्लोथ, और इतराती हुई कहती है, लुक एट, देखो मेरे क्लोथ्स को, देखो मेरे कपड़े की तरफ देखो। आई एम वेयरिंग, मैंने पहन रखा है, माई बेस्ट क्लोथ्स टूडे, आज मैंने अपना सबसे अच्छा कपड़ा, जो सबसे बेस्ट ऐसा, सबसे बहुत ही अच्छा वाला, जो मेरा कपड़ा सबसे महंगा वाला कपड़ा आज मैंने पहना हुआ है। आई वॉन्ट बी द बेस्ट पर्सन इन द टाउन, मैं इस शहर की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहती हूँ। गोज अवे, और ये लड़की भी चली जाती, ये औरत भी चली जाती है। अब दूसरा पात्र आता है और वो कहता है, देखिए, स्ट्रॉन्ग मैन, एक बड़ा ताकतवर व्यक्ति, जैसे पहलवान समझ लीजिए, उसकी एंट्री होती है, वो आता है और वो क्या कहता है, हे ओल्ड वुमेन, मूव असाइड, ए बुढ़ी, बुढ़िया, हट जाओ रास्ते से। ओल्ड वुमेन, आई कांट गेट अप, ओल्ड वुमेन कहती है,
मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम नॉट योर सर्वेंट, गुस्से से कहता है मैं, नॉट मतलब नहीं, योर मतलब तुम्हारा, सर्वेंट नौकर, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। गोज अवे और स्ट्रॉन्ग मैन में भी चला जाता है। रिच वूमेन, एक युवती जो है वो आती है। हे ओल्ड वूमेन, मूव असाइड, कहती है बुढ़िया को कि बुढ़िया हट जाओ रास्ते से। ओल्ड वूमेन, बुढ़िया कहती है आई कांट गेट अप, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। रिच वूमेन, डोंट यू नो हु आई एम, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। आस्क समबडी एल्स, किसी और से कहो मदद करने के लिए। गोज अवे और वो भी चली जाती है। मैनी पीपल कम एंड गो विदाउट हेल्पिंग द ओल्ड वुमेन, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं और कोई भी उस बुढ़िया की मदद नहीं करता है। आगे देखिए, स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा आता है। हेलो ओल्ड वुमेन, क्या कर रही हो, Why are you sitting here? बच्चा पूछता है आप यहाँ क्यों बैठी हो। Old woman, I fell down and I can't get up. मैं गिर गई हूँ और अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ। Small child, can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर आगे वो help करता है और उस बुढ़िया को उठाता है। Where do you want to go? और पूछता है कि कहाँ जाना चाहती हो। ओल्ड वुमेन, कैन यू टेक मी टू द टाउन हॉल, क्या तुम मुझे टाउन हॉल तक लेके जा सकते हो। स्मॉल चाइल्ड, श्योर कम विथ मी, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। आगे देखिए, दे वॉक टू द टाउन हॉल, ऑल द अदर पीपल आर वेटिंग देयर, जो सारे व्यक्ति बुढ़िया की बिना मदद किए वहाँ पहुँचे थे, सब देख उनकी इंतज़ार करते कि मेयर अभी आएंगी, और बच्चा उनको बुढ़िया को वहाँ पर लेकर जाता है टाउन हॉल के पास। स्ट्रॉन्ग मैन, ओ लुक एट दैट ओल्ड वुमेन, अरे देखो वो बुढ़िया को। रिच वुमेन, व्हाई हैज शी कम हियर, वो जो बहुत धनवान स्त्री थी वो बोलती वो यहाँ पर क्यों आ रही है। फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति कहते हैं वेयर इज द मेयर, वेयर इज कहाँ पर है, मेयर कहाँ पर है। यंग वूमेन, आई नो द मेयर विल सिलेक्ट मी, जो नौजवान व्यक्ति युवती थी वो कहती है कि नहीं मैं जानती हूँ कि मेयर मुझे ही सिलेक्ट करेगी, मेरा ही चुनाव करेगी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए। स्ट्रॉन्ग मैन, नो द मेयर विल सिलेक्ट मी, जो ताकतवर व्यक्ति था वो कहने लगा नहीं वो मुझे सिलेक्ट करेगी, मुझे चुनेगी। ये लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, ऑल बिगिन टू क्वेरल, आपस में क्वेरल करना, झगड़ा करना, बिगिन शुरू हो गए, आपस में झगड़ा करने लगे। मी, आई एम द बेस्ट, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट द बेस्ट, इस तरह से वो लोग झगड़ा करने लगे कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, तुम नहीं हो, तुम गलत हो, ऐसा आपस में ही वाद विवाद करने लगते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ओल्ड वुमेन, साइलेंस, यू आर ऑल रॉन्ग, अब बुढ़िया ने अपने कपड़े निकाल के फेंक दिए थे और वो बुढ़िया का कपड़ा निकाल के मेयर थी ना, इसलिए वो अपने असली वेशभूषा में आ गई और चिल्लाने लगी चुप रहो, साइलेंस, चुप रहो, यू आर ऑल रॉन्ग, आप सभी गलत हो, रॉन्ग मतलब गलत हो। रिमूव वाइट हेयर वीक्स एंड स्टैंड टॉल, उसने जो भी लगाए थे नकली बाल बुढ़िया के वो निकाल के साइड में रख दिए और एकदम सीधे से खड़े हो गई।
उसी पर सारे व्यक्ति साथ में बोल उठे, ओ द लेडी मेयर। सब बोल चुके, अरे ये तो मेयर साहिबा है, मेयर साहिबा है। ओल्ड वुमेन, फिर ओल्ड वुमेन कहती है, यस यू हैव ऑल फेल्ड इन माई टेस्ट। वो कहती है यू हैव आप सभी लोग ऑल मतलब सभी फेल्ड, आप सभी फेल हो गए हो मेरे टेस्ट में, मैंने एक परीक्षा ली उसमें आप सब फेल हो। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प एन ओल्ड वुमेन, कोई भी आदमी तैयार नहीं था, रेडी मतलब तैयार नहीं ये कोई भी कि उस बुढ़िया औरत की हेल्प करे, मदद कर सके। हियर इज़ द ओनली वन हु हेल्प, सिर्फ एक एक व्यक्ति है, एक छोटा सा बालक है, उसी ने हेल्प की। कम हियर माई डियर चाइल्ड, बुलाती कम हियर इधर आओ, माई डियर प्यारे बच्चे कम हियर मेरे पास आओ, दिस इज द बेस्ट पर्सन इन द टाउन। फिर वो घोषणा कर देती है कि इस टाउन का बेस्ट पर्सन ये बच्चा ही है। इस तरह से हमने पूरे पाठ को पढ़ा, आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। फर्स्ट मैन पहला व्यक्ति, ओल्ड वुमेन बुढ़िया, प्लीज कृपया, हेल्प मदद, हरी जल्दबाजी, मेयर मेयर माने मेयर। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, यंग वुमेन युवती, टच छूना, डर्टी गंदा, वेयरिंग पहनना, स्ट्रॉन्ग मैन ताकतवर व्यक्ति, सर्वेंट नौकर, रिच वुमेन अमीर औरत, स्मॉल चाइल्ड छोटा बच्चा, सिलेक्ट चुनाव करना, फेल्ड अनुत्तीर्ण हो जाना, फेल हो जाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट हु वॉज द ओल्ड वुमेन, आंसर फर्स्ट द ओल्ड वुमेन वॉज द मेयर, सेकेंड वेयर वॉज एवरी वन गोइंग, आंसर सेकेंड everyone was going to town hall. Third question, who helped the old woman? Answer third, a small child helped the old woman. Fourth question, who became the best person in the town? Good. The small child became the best person in the town. तो बच्चों आप इस पार्ट को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ को क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा। अगली क्लास में मिलेंगे अगले लेसन के साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।